नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, एमडी जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, लैब एथलेटिस्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी हार्ट एंड इट्स एसोसिएशन विद ब्लड प्रेशर। जब भी हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग्स कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये हमें समझना होगा कि नॉर्मल रीडिंग्स क्या होती है। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ती और घटती रहती है, ये एक समान कभी नहीं रहती। हमारी एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज के हिसाब से ही ऊपर नीचे होती है। जैसे कि अगर हम सो रहे हैं तो हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर कम होगा, और अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए हम जब भी ब्लड प्रेशर रीडिंग्स की बात करते हैं, उस नॉर्मल रीडिंग्स की बात करते हैं, तो हम एवरेज रीडिंग की बात करते हैं, जो होती है 110 से 130 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि ऊपर वाला होता है आमतौर पर, 70 से 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला होता है आमतौर पर। दोस्तों ब्लड प्रेशर अपने आप में कभी भी किसी वार्निंग साइंस के साथ नहीं आता। हो सकता है महीनों तक हम ब्लड प्रेशर का शिकार हों, हमारा ब्लड प्रेशर कई महीनों से बढ़ा हुआ चल रहा हो, लेकिन हमें तब तक नहीं महसूस होता जब तक हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई तकलीफ नहीं होती या शरीर का कोई अंग ग्रसित नहीं होता। आमतौर पर कई बार मेडिकल चेकअप्स में, कैंप्स में ब्लड प्रेशर बढ़ा होना पाया जाता है, या अचानक से बने हुए सरदर्द के जब हम इलाज के लिए जाते हैं तब हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। अचानक से घबराहट होनी चालू हो गई, धड़कन बढ़नी चालू हो गई, तब महसूस होता है कि शायद ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आ रहा है। हाई ब्लड प्रेशर कई प्रकार से दिल एवं दिमाग से संबंधित बीमारियों का कारण है, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर इत्यादि। यह सच है कि आज दुनिया में हार्ट की प्रॉब्लम्स इंसानी मृत्यु दर का नंबर एक कारण बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पे समझने की जरूरत यह भी है कि ये जितनी भी दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिजीज की कैटेगरी में आती है। अब सवाल ये होता है कि लाइफस्टाइल डिजीज क्या है। वो बीमारियां जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, उठने बैठने, रोज की दिनचर्या से होता है। हम बहुत तेज नमक खाते हैं, जाहिर तो अभी बात है कि शायद हमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। हाई बीपी रहता है, हम तेल तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, शुगर होने के चांसेस, हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, लंग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं हम शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तो लीवर प्रॉब्लम होने के चांसेस, उसी दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल कई तरह की दवाइयां हैं जो काफी कारगर भी हैं, लेकिन इन सभी के होते हुए भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बेस्ट ऑप्शन है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है, जैसे कि मैंने समझाया लाइफस्टाइल डिसीज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वो कैटेगरीज हैं जिसे हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारे काम दिनचर्या निर्भर करता है। खाने में नमक कम रखना है, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम है। दोस्तों टेबल सॉल्ट का मतलब होता है ऊपर का नमक, जैसे खाने में, अचार में, दही में, पापड़ में हम इस्तेमाल नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना हम नमक लेते हैं उसकी मात्रा को घटा दें। यहां हम जब नमक की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं सोडियम सॉल्ट की। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक्स माने तो नमक की मात्रा मतलब सोडियम की मात्रा पूरे दिन में जो डेली रिक्वायरमेंट हमारी है वो 1250 से 1300 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन अगर हम कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, कोई बाहरी खाना खा रहे हैं, तो अकेली कुछ चीजों में ही अमूमन अगर हम पूरे दिन एक इंडियन डाइट में देखें तो करीब करीब 3 ग्राम नमक हम पूरे दिन में खा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने खान पान, खाने पानी की शैली, थोड़ी सी अपनी खुराक को और बाकी चीजों को सुधारें, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। नमक में बेसिकली सोडियम सॉल्ट का यही दूसरी चीज आती है कि आजकल बहुत सुनने को मिला है कि सर हम रॉक सॉल्ट लेना चाहते हैं तो क्या वो ब्लड प्रेशर में कारगर सिद्ध होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। रॉक सॉल्ट हम ले रहे हैं वो बेसिकली पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच सॉल्ट होते हैं जो कि हार्ट के लिए अच्छा चीज है। लेकिन किसी भी तरह का नमक अगर हम कहें तो बात यही है कि कम से कम रखा जाए तो भी अच्छा है। शराब का सेवन कम से कम होना चाहिए, दिन भर में 2 या 3 कप से ज्यादा चाय का इस्तेमाल नहीं करना। कैफीन चाय में भारी मात्रा में होती है, चाय में, कॉफी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, और कैफीन अपने आप में एक नर्वस स्टिमुलेंट है। जो भी कोई चीज स्टिमुलेशन हमें प्रोवाइड करती है वो कहीं ना कहीं हमारे
एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स को जगा देती है जिससे बीपी बढ़ सकती है। दोस्तों हमें अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, नट्स अखरोट बादाम इत्यादि का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, लेकिन इनकी नेचुरल फॉर्म, ऐसा नहीं कि रोस्टेड ले रहे हैं सॉल्टेड ले रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड इसलिए भी मना किया जाता है क्योंकि एक तो उसमें नमक तेज होता है और जो पैकेज फूड्स होता है, ऐसा नहीं कि पैकेज फूड्स में जो क्वांटिटी लिखी जा रही है वो नहीं है, पैकेज फूड्स में भी नमक की मात्रा बढ़ा के रखी जाती है ताकि उसको देर तक प्रिजर्व किया जा सके। इसलिए हमारा काम होना चाहिए जब हम आगे आज से जब भी कोई सामान खरीद रहे हैं उसके सॉल्ट कंटेंट को उसके शुगर कंटेंट को उसके इंग्रीडियंट्स को एक बार पढ़ने की आदत में लेके आए। हम इंडियंस की आदत होती है सामान लिया फटाफट से लेके घर भागे काम किया, लेकिन कभी भी ये जानना नहीं चाहते कि जो हम खा रहे हैं उसमें है क्या। हाँ दवाइयों में जरूर चेक करते हैं कि लाल रंग की है या हरे रंग की है। रेगुलर एक्सरसाइज वॉकिंग रनिंग जॉगिंग, सभी का लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स हो गए हैं, कंपनियों में क्लर्क्स हैं बाबूज हैं, चलना फिरना बिल्कुल बंद है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फिर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है जिसको हम साइंटिफिकली आरटीडी और एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, ब्लड फ्लो के लिए जगह कम होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसको इस तरह से समझा जा सकता है जैसे पानी लेते हैं, हम पानी का पाइप लेते हैं, जब शुरू शुरू में होता है बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो वेयर एंड टेयर होता रहता है, उसमें पानी का बहाव बना लेता है, धूप में रहता है, तो वो सख्त हो जाता है। हमारी धमनियां भी उसी तरह से सख्त होना चालू हो जाती हैं अगर अंदर उसकी कीचड़ जम रही हो, मतलब लिपिड की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम रही है तो एथेरोस्क्लेरोसिस, सख्त हो गए तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दोनों ही कंडीशंस में जो पानी अंदर से फ्लो कर रहा है वो उसकी दीवारों पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा है उसको, यही वो ब्लड प्रेशर होता है जब हम कप पे कप बांध के मेजर करते हैं। दोस्तों ये तो थे कुछ हमारे लाइफस्टाइल डाइटरी मॉडिफिकेशन जो हम कर सकते थे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के डाइटरी अप्रोचेस को अपनाया गया है, डैश और मेडिटेरियन डाइट। डैश डाइट क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, और दूसरी होती है मेडिटेरियन डाइट। डैश डाइट में अगर देखा जाए तो सभी, ये ऐसी डाइट है जो सभी सही मात्रा में अलग अलग चीजों को खाने की सलाह देती है बीपी और हार्ट को कंट्रोल करने के लिए। अनाज सब्जी फल बीन्स नट्स का थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना होता है, दिन में 3 से 4, एक बार में बहुत सारा खाना खाने की जरूरत नहीं। वही जैसे डायबिटिक में हमारा प्लेट सिस्टम होता है ना कि हमें अपनी प्लेट को 4 से 5 भाग में बांटना है, उसी तरह से डैश डाइट में हमें अपने खाने को पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को 4 से 5 बार में बांट के चलना है। एक बार में कभी भी ज्यादा इंटेक नहीं करना है, तेल का इस्तेमाल डैश डाइट में बहुत ज्यादा नहीं किया जाए। हालांकि हम देखें दूसरी तरह की जो अप्रोचेस है जैसे कि मेडिटेरियन डाइट, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, हमें वक्त वक्त पे खाना खाना होता है, लेकिन उसमें तेल का इस्तेमाल है। दोस्तों समझने की जरूरत है यहाँ पे जब हम तेल की बात कर रहे हैं, फैट्स की बात कर रहे हैं, तो हम हेल्दी फैट्स की बात कर रहे हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स की बात करें जो मूफा कहा जाता है। ये एक हेल्दी फैट होता है जो एलडीएल लेवल्स को, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद करता है, और एचडीएल लेवल्स जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं तो ये हार्ट के लिए बेनिफिशियरी ही होगा। बादाम अखरोट हर तरह के नट्स मोनो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। दोस्तों आगे इतना ही कहना चाहूंगा कि हेल्दी डाइट ईटिंग प्लान्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, गूगल पे आप सर्च करने बैठेंगे ढेरों तरह के डाइट प्लान्स आ जाएंगे, बट किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए हमें सबसे पहले तो अपने एक लाइफस्टाइल को दिशा देनी होगी, हमें अपने रहने की पूरी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी भी वक्त खाना खा रहे हैं किसी भी वक्त सो रहे हैं, समय से सोना है, समय से उठना है, समय से नाश्ता करना है, समय से दोपहर का खाना करना है, व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करना है। देखो खाते रहोगे फ्यूल तो देते रहे, मशीन चलाएंगे नहीं, अल्टीमेटली क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं चोक हो जाएगा, और यही चोक और ओवरफ्लो हमारी साइंटिफिक टर्म्स में स्ट्रोक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स टेक होम मैसेज शुड बी हेल्दी बैलेंस्ड डाइट,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पोषण के लिए बल्कि हार्ट प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए।